तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट्सएप के एक ऐसे कमाल के अपडेट के बारे में जो आपको बहुत पसंद आने वाला है, और साथ ही दोस्तों हम जानेंगे व्हाट्सएप की एक ऐसी ट्रिक के बारे में जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमेशा की तरह बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों WhatsApp के इस न्यू अपडेट के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर WhatsApp को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको WhatsApp ओपन करना है, और उसके बाद इस तरह से लेफ्ट साइड को आपको स्वैप करना है। जैसे आप स्वैप करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा ओपन हो गया है। अब दोस्तों यहाँ से आप अपनी मोबाइल गैलरी में ऊपर की तरफ स्वैप करके इस तरह से पहुँच सकते हैं, और यहाँ से दोस्तों कोई फोटो या वीडियो सेलेक्ट करके अपने किसी भी फ्रेंड को सेंड कर सकते हो। और साथ ही आप बॉटम साइड में इस राउंड सर्कल पर लॉन्ग प्रेस करके कोई वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद इस तरह से आप अपने किसी भी फ्रेंड को इसे भेज सकते हैं। तो है ना दोस्तों कमाल का अपडेट। सो गाइज, अब जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके काफी काम आने वाली है, और आई एम श्योर कि आपको बहुत ही पसंद भी आएगी। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये एप्लीकेशन ओपन की है, और यहाँ पर दोस्तों मैं एक न्यू नंबर जो मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव नहीं है उसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कंट्री कोड यहाँ पर डाल देता हूँ 91, और उसके बाद दोस्तों मैं मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब मैं ओपन के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं उस नंबर की जो व्हाट्सएप चैट है यहाँ पर ओपन हो गई है। अब मैं इस तरह से यहाँ पर कोई भी मैसेज उसे डायरेक्ट सेंड कर सकता हूँ बिना नंबर सेव किए। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई इस तरह से कॉल आती है जिसे आप सेव नहीं करना चाहते लेकिन उसे व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ट्रिक का यूज़ करने के लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाना है और वहां से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, क्लिक टू चैट। इस एप्लीकेशन की जो खास बात है दोस्तों वो ये है कि ये काफ़ी कम साइज की है, यानी कि 100 KB, और इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी परमिशन इसको नहीं देना है। और इस ऐप का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे ओपन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।